ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਗਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਕਾ ਉਹ ਕਿਆ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤਾਰੀ ਜੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਸਹਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਜਣ ਸੀ ਹੈ सबसे ज्यादा मुकदमे आज तक का इतिहास ठहक जो बुजुर्गों का लग गए हैं किसान आंदोलन में 70 साल तक जब तक हमारा देश आजाद होया है कांग्रेस भी जी लाकर राज करके सारे के सारे टट्टे बग्गे जितने भी सारे के सारे चोर चक्के सारे के सारे राज करके इस देश के अंदर एक सच्चाई रोकी गत बताऊंगा बच गए कांग्रेस के 31 एमएलए बच गया प्लस में एक और निर्दलीय है 31 के 31 एमएलए जिस दिन हरियाणा हम इस्तीफा दे देंगे मैं मार्क समकाऊंगा इनकी टांगा तरह लगड़ जाऊंगा जिस तरह पर चुनाव दे रखे हम उसकी गुणगान ना करता हाँ भाई नाम उसका चेलर नाम उसका चमचा हाँ भाई उसने अपना स्वार्थ में इस्तीफा दिया है हकीकत से अब ऐसी चुटाला ने अपना स्वार्थ में इस्तीफा दिया उसका स्वार्थ के था उसने उबेरा था तू इस्तीफा दे देगा तो दोबारा जो 2 घंटे पच गए 2 साल पास इलेक्शन हो जियो तू दोबारा फिर बनागा यह हकीकत से और जितने 31 विधायक से मैं अपने के लिए कितने गारंटी दे सकूँ अपनी उम्र पर टांगा तरह लगड़ जाएगा एक तो एक का नहीं मुझ छुटवा लूँ अगर यह हकीकत ना हो तो मैं एक बार इस्तीफा दे के दिखा दो सारे के सारे इस्तीफा दे के दिखा दे ऊपर मैं उनको इस देश की है ना इस देश की संसद भवन विधानसभा सबकी में गूंजेंगी जिस टाइम पर हमने इस्तीफा दे दिया 30 विधायक कांग्रेस के हैं और एक प्लस बच गया इसका निर्दलीय है तो मेरे भाइयों हाँ एक जे जे पी का उसने छोड़ना है वो तो पिचपन तो है कान बीच जेजेपी का जो दवेंद्र पबली है राम कुमार गौतम ये दादा और अपने ये तो सुर्खियां मैंने दिन तक को मतलब ना है।